खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते पौधा संरक्षण योजना, गांठ गोभी के लार्ज ग्रीन वीएन किस्म, पशुओं में गलघोटू रोग होने से बचाव की तकनीकी जानकारी, कमल फूल के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरी थे, अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मतलब बहुत फायदा हुई। पौधा मा लगातार कीटनाशक दवाई के उपयोग ले सामान्य जीवन के कुप्रभाव ला देखते हुए छत्तीसगढ़ मा पौध संरक्षण योजना चलाए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला कीटनाशी दवा के अंधाधुंध छिड़काव के कुप्रभाव ले बचाए के प्रशिक्षण दे जाही। एकर पर एकीकृत कीट प्रबंधन IPM और कीटनाशक के सुरक्षित उपयोग करे बर प्रोत्साहित करे जाही। दवाई के खरीदी बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन और मोल भाव के अधिकार दे जाही। किसान ला उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री उपलब्ध कराए जाही और बायोगैस के स्थापना करके परजीवी और जीवाणु उत्पादन करके किसान मन ला उपलब्ध कराए जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मन ला अच्छा उत्पादन मिली। पशु मन में गलघोटू रोग भयंकर तीव्र और संक्रामक रूप से होते। ये रोग है पाश्चुरैला जीवाणु के रहे ले होते, जिन्हा कुछ पशु मन के श्वास नली के ऊपरी भाग में रहते। अक्सर चारा के कमी ले ये पशु मन के स्वास्थ्य कमजोर हो जाते और रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो जाते। एकर से शरीर में मौजूद जीवाणु ह पशु ला बीमार कर देते। एकर से पशु एकाएक बीमार हो जाते, तेज बुखार और रुआ खड़ा हो जाते। जीभ और गला में सूजन आए ले 24 घंटा के अंदर पशु के मृत्यु हो जाते। ये पशु के संसर्ग में आए ले दूसर पशु मन भी ये रोग से ग्रसित हो जाते। एकर ले बचाव बर सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स समय में लगायल पड़ते। प्रतिवर्ष बरसात के पूर्व टीकाकरण करे ले ये रोग नहीं हुए। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। गांठ गोभी की खेती वैसे तो बहुत कम करे जाते, लेकिन एकर खेती ले बहुत फायदा होए के संभावना है। एकर खेती करे या किसान मन ला एकर उन्नत किस्म लार्ज ग्रीन वीएन ला अपनाना चाहिए, जिन हा ज्यादा बड़ा होए के कारण अच्छा उत्पादन देते। ये किस्म के गांठ गोभी हरा रंग के होते और एक हेक्टेयर के बुआई बर करीब 800 किलो बीज की जरूरत पड़ते। ये किस्म के गांठ गोभी की औसत उपज 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होते। सफलता अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं जैसे पारंपरिक खेती के अलावा फूल वूल के भी खेती करे लगे है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। ऐसन है ग्राम दर्री के किसान विनोद भैया हा अपन एक एकड़ के खेत में कमल फूल के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत ओहर बताते कि ओखर ये कमल फूल के खेती करे में निंदाई कोड़ाई सिंचाई बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 30 से 40 हजार रुपया तक के खर्चा आया हावय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वहाँ बाजार में बेच के लगभग 50 से 60 हजार रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन हा कमल फूल के उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलवो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमर प्रदेश के अलग अलग मंडी मा धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी मा धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी मा धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल।
आज रायपुर सब्जी मंडी में कोचई के बने आवक देखे गए है। वहां के व्यापारी मन बताए इनकी कोचई के थोक भाव 5 से 10 रुपया प्रति किलो और चिल्लर में कर भाव 15 से 30 रुपया प्रति किलो है। अब मोला दोबिदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। कृषि दर्शन देखिए जम्मो संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। संगवारी हो, कहे गए है कि खेती हर होते अपन सेती, फिर आजकल ये कहावत हर बदल गए है, आजकल खेती हर होते जम्मो के सेती। कहे के मतलब है संगी हो, खेती किसानी है आज बढ़िया रोजगार बन गए है और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन आनी बानी के खेती ला उगा के बढ़िया आमदनी ला कमावत है। एक सेती ये कार्यक्रम के माध्यम ले हमन हा किसान भाई मन ला किसिम किसिम के जानकारी ला देथन। तो संगवारी हो, आज हमन जानकारी लेबो सेमी के सुघर खेती के बारे में। सेमी हर नार वाला खेती आए और एकर बाजार में मांग है अब्बड़ रही थे और हमारे किसान भाई मन ये फसल ला उगा के बढ़िया आमदनी ला कमा सकते। तो संगवारी हो, सेमी की खेती ला हम कैसे आधुनिक विधि और उन्नत तकनीक ला अपना के करन जे में हमला ज़्यादा फायदा हो, आओ एकर जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ में सेमी का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ का वातावरण सेमी की खेती के लिए एकदम मुताबिक है। सेम एक बेलदार पौधा होता है, इसके लिए प्रक्षेत्र को तैयार इस तरह से किया जाना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हल चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। खेत निर्माण के समय ही उसमें मांदा निर्माण का काम भी कर लेना चाहिए। लगभग हर तरह की भूमि में सेम अच्छा प्रदर्शन देती है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। सेम ठंडी जलवायु की फसल है, अधिक क्षारी और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक मानी गई हैं। घर की वाटिका में भी सेम का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में भाटा, टिकरा, मटासी, डोरसा और कन्हार मिट्टी पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 55% है। इन्हीं वृहद क्षेत्रों में सेम की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। किसान भाइयों, सेमी के खेती में जल प्रबंधन के घलो बड़ा महत्व है। संगवारियों, जतिक सुंदर ढंग ले हम पानी ल पलोबो उतके अच्छा हमर फसल के बढ़वार होई। और टपक विधि यानी कि डीप इरिगेशन के माध्यम ले हम सिंचाई करबो तेकर तो बात ही कुछ है। संगवारियों, डीप इरिगेशन के माध्यम ले पानी के बर्बादी नहीं होए, पौधा ल सही मात्रा में पानी मिलते, खरपतवार घलोक नहीं होए, और इमें दवाई घलोक एकर माध्यम से हमारे किसान भाई मन डाल सकते, जेकर ले समय के घलोक बचत होते। तो संगवारियों, डीप इरिगेशन के माध्यम ले कैसे ढंग ले सिंचाई करबो आओ एक जानकारी लेवन। हमारे राज्य में औसत वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है। खेतों में जल वर्षा के उपरांत लगभग पूरे अक्टूबर माह तक उपलब्ध रहता है। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन अपनाई जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जल निकासी का भी ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जल का आवक जावक बराबर रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली ज़रा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाली होती हैं। किसान भाई हो, जैसे शरीर पर अच्छा खाना जरूरी होते, उसने फसल पर अच्छा खाद घलो बहुत जरूरी होते। जतिक अच्छा ढंग ले हम खाद देबो फसल के बढ़वार घलो अच्छा होई। खेती करे खाद से भरे तो अन कोठलिया में भरे के खेत के संगी हो। तो कौन कौन से खाद ला सेमी के खेती में कब कब और कतका मात्रा में हमला देना चाहिए आओ जानन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट सेम प्राप्त करने के लिए उत्पादक किसानों का चौकस और जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना ज़रूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा करना उत्पादन की दृष्टि से भी बेहतर होता है और आर्थिक दृष्टि से भी बेहतरीन। आमतौर पर समझा जाता है कि सेम वर्गीय फसल के लिए किसी खाद की और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अच्छी पैदावार के लिए अतिरिक्त उर्वरकों का देना बहुत ज़रूरी होता है। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि सेम दलहनी वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा तो ये होगा कि मृदा की जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाए। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर खाद और उर्वरक की मात्रा इस तरह डाली जानी चाहिए। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम, पोटाश 70 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर कर देना चाहिए। उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। यहाँ हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि ज़मीन की गुणवत्ता की जाँच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। किसान भाइयों, सेमी के खेती ला समय समय में रोग राई घलोक लग जाते और आनी बानी के कीड़ा मकोड़ा है ये फसल ला बहुत बर्बाद कर देते। जेकर समय रहते हमार किसान भाई मन जानकारी नहीं ली तो मल्ला नुकसान उठाए बर पड़ सकते। बो दिन गहूँ और चल दिन कहूँ कस किस्सा में नहीं बने। तो संगवारियों, सेमी के खेती में कौन कौन से रोग लग जाते और ये रोग के रोकथाम हमन कैसे ढंग ले करबो आओ जानकारी लेवन।
सेम की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीट और रोगों से बचाना भी एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भरपूर आशंका होती है, जैसे चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। बेल वाली सब्जियां सहारा चाहती हैं। यदि उचित सहारा दिया जाए तो लताओं में उगने वाली सेम भी बड़ी तेजी से अपना वृद्धि करती हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जी उत्पादक भाइयों ने सेम की लताओं को उसकी प्रकृति के मुताबिक लगाना शुरू भी कर दिया है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि इन लताओं का संपर्क भूमि से कम ही पड़े। ऐसा करने से जल के अतिरेक से इनकी पत्तियों के सड़ने की संभावना भी स्वमेव कम हो जाती है। एक पंडाल नुमा रचना इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ये व्यवस्था इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति किया जा सकता है और तुड़ाई भी आसानी से हो जाती है। लगन लगा ले, लगन लगा ले, लगन लगा ले ना। लगन लगा ले मल्ला मिला ले प्रेम लगा ले रे पाता उड़ने वाला है तय लगन लगा लेना पाता उड़ने वाला है तय लगन लगा लेना बन के कासीना मोर मयारू संगवारी मोर मयारू संगवारी मोर मयारू हाड़ा जले तोर बन के लकड़ी जी मिला ले राम गुनी गा ले ना मल्ला मिला ले राम गुनी गा ले रे तुम स्वासा उड़ने वाला है तय लगन लगा लेना तुम स्वासा उड़ने वाला है तय लगन लगा लेना काया जले तोर घीव के आगीना मोर मयारू संगवारी मोर मयारू मोर मयारू संगवारी मोर मयारू राम गुण गाले मल्ला मिला ले ना राम गुण गाले मल्ला मिला ले रे मोर पाता
संगी हो, ये तो रही सेमी की खेती के बारे में सुग्घर अकन ले जानकारी। आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठाओ, ये फसल ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आज के अंक में बस अतके, अवैया अंक में ऐसने फिर नवा नवा जानकारी लेके आप मन संग गोट बात करबो। तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार।